गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम मीडिया प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं, जिसे हम जन संचार भी कहते हैं। संचार किसे कहते हैं? सूचनाओं के आदान प्रदान को। और संचार माध्यम, जिस माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, संचार जीवन की निशानी है कैसे? क्योंकि संचार ही मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है, तो इसीलिए कह सकते हैं संचार जीवन की निशानी है। अगर हम विचारों का आदान प्रदान न करें तो जीवन में निरस्ता कहें या जीवन संभव नहीं। संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, सिनेमा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया एक गांव में बदल गई क्यों? संचार के साधन विकसित होने के कारण। निश्चित रूप से आज इन माध्यमों की वजह से पूरा विश्व जो है एक गांव या परिवार की तरह लगने लगा है। दूर बैठे हम विश्व स्तर पर कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, यहाँ तक कि लंबे समय का हमें इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता। हम दूर बैठे कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी बात कर सकते हैं और आमने सामने उसे देख भी सकते हैं। इंटरनेट के जरिए तो पढ़ना, लिखना, सुनना और फीडबैक, सभी प्रक्रियाएं जो हैं शामिल हैं। दुनिया एक गांव में बदलने का कारण यही है कि संचार के साधन विकसित हो गए हैं, हम सभी देख ही रहे हैं। संचार किसे कहते हैं? सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को मौखिक, लिखित या दृश्य श्रव्य माध्यमों से सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार है। संचार प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं? स्रोत, एनकोडिंग, माध्यम, प्राप्तकर्ता। स्रोत क्या होता है कि सूचना में कहां से मिली, एनकोडिंग सूचना का भेजना, माध्यम जिस जरिए हम भेज रहे हैं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट या समाचार पत्र, जिस भी माध्यम से। और प्राप्तकर्ता, सूचनाओं को प्राप्त करना। संचार के लिए आवश्यक क्या है? एक सफल संचार क्या होता है? भाषा के कोड का ज्ञान होना। एनकोडिंग डिकोडिंग का अर्थ, चिन्हों व संकेतों सहित संदेश भेजना एनकोडिंग होता है। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त संदेश में चिन्हों व संकेतों का अर्थ समझना डिकोडिंग है। फीडबैक किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाई गई प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। यह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। शोर क्या है? संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं शोर है। संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, सांकेतिक, मौखिक, लिखित, अंतःव्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःव्यक्तिक संचार किसे कहते हैं? वह संचार जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, जैसे पूजा करना, ध्यान लगाना, कि हम अपने आप से ही बात करते हैं, किसी और से नहीं। अंतर्व्यक्तिक संचार, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं उसे अंतर्व्यक्तिक कहेंगे। समूह संचार, समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए हल करने के लिए समूह संचार का उपयोग होता है, यानी कि समूह में जो बातचीत की जाए उसे समूह संचार कहेंगे। जन संचार किसे कहते हैं? जब संचार किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है तो क्या होता है? जन संचार। जन संचार की विशेषताएं क्या हैं? इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इसमें अनेक द्वारपाल होते हैं जो प्रकाशित व प्रसारित होने वाली सामग्री यानी संदेश को निर्धारित करते हैं। इन संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है और उजागर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन संचार माध्यमों में द्वारपालों की भूमिका क्या है? इनकी जिम्मेदारी है
कि पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुसार सबकी भलाई के लिए सामग्री यानी संदेश को संपादित कर उनके प्रकाशन की ओर प्रसारण की इजाज़त दे। संचार के कार्य, सूचना देने व लेने का कार्य। संचार में मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति खास तरह से प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन संचार के कार्य क्या हैं? सूचना देना, मनोरंजन करना, जागरूकता पैदा करना, सरकार व संस्थाओं के काम की निगरानी रखना, संदेश व विभिन्न विचारों को लोगों तक पहुंचाना। बच्चों, आज का होमवर्क है कि जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनका अभ्यास करेंगे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।